शेखावाटी स्कूल लौसल ने 68वीं जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में 14 वर्ष आयु वर्ग कबड्डी में संपूर्ण सीकर जिले में प्रथम पायदान के लिए हुए फाइनल मुकाबले में गुरुकृपा स्कूल सेवत को शिकस्त देते हुए 46-23 के बड़े अंतराल से हराया। निजी सचिव भरत शर्मा ने बताया कि फाइनल मुकाबले में विजेता घोषित किए जाने के बाद राज्य स्तरीय चयन के लिए 7 खिलाड़ियों का चयन होना था, जिसमें शेखावाटी स्कूल की 4 बालिकाओं का चयन किया गया। अब राजस्थान में सीकर जिले की ओर से 7 में से 4 बालिकाएं अकेले शेखावाटी स्कूल से खेलेंगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही खो खो प्रतियोगिता में भी छात्र छात्रा वर्ग अंडर 14 में शेखावाटी स्कूल लौसल द्वितीय रनर अप के रूप में विजेता रही। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह के पश्चात जब खिलाड़ी हाथों में ट्रॉफी लिए लौसल के लिए रवाना हुए तो जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया। इस उपलब्धि पर समूह चेयरमैन बीएल रणवा ने खिलाड़ियों की प्रतिभा और आमजन की आशा उत्साह को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल पंजाब की तर्ज पर करोड़ की लागत पर वातानुकूलित इंडोर स्टेडियम निःशुल्क खिलाड़ियों को नवरात्रा में निर्मित कर खेलने के लिए प्रदान करने की घोषणा की। हाल ही में इससे पूर्व आयोजित जिला स्तरीय विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में शेखावाटी स्कूल लौसल व मोलासर की टीमों ने शानदार जीत दर्ज करते हुए जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में हुए अलग अलग मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए शेखावाटी की टीमों ने कई विजेता के खिताब जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। जसवंतगढ़ में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में शेखावाटी स्कूल ने 19 वर्ष में पूजा इंटरनेशनल स्कूल डीडवाना को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया, तो वहीं 14 वर्ष में प्री स्टार छोटी खाटू को हराते हुए शेखावाटी स्कूल ने दोनों वर्ग के खिताब अपने नाम किए। इसी तरह सीकर में चल रही कबड्डी 19 वर्ष छात्रा प्रतियोगिता में शेखावाटी स्कूल लौसल ने दूधवा को हराकर फाइनल में जगह बनाई और रनर अप रहते हुए उप विजेता का खिताब हासिल किया। कबड्डी 17 वर्ष छात्र वर्ग में एसबीएन सबलपुरा को हराते हुए शेखावाटी लौसल ने द्वितीय रनर अप का खिताब अपने नाम किया। 14 वर्षीय छात्र वर्ग बैडमिंटन में शेखावाटी स्कूल लौसल ने डेफोडिल्स स्कूल सीकर को कड़ी शिकस्त दी। वहीं 14 वर्ष छात्रा वर्ग ने राजकीय स्कूल पलासरा को मात दी। 19 वर्ष छात्रा वर्ग ने भी राजकीय विद्यालय पलासरा को कड़ी टक्कर देते हुए बाजी मारी और 14 वर्ष छात्र छात्रा 19 वर्ष छात्र तीनों ने प्रथम रनर अप का खिताब जीत लिया। विभिन्न खेलों में चैंपियन बनने की उपलब्धि पर शेखावाटी शिक्षण समूह के चेयरमैन बीएल रणवा, निदेशक जितेंद्र रणवा, राहुल रणवा, रोहित रणवा, प्राचार्य ओम प्रकाश रणवा, श्रीराम खोकर ने विजेता टीम और खिलाड़ियों को बधाइयां देते हुए भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। बेटा एक बार अपने मर्जी से बोलो कि आज हमें खुशी है। मैं शेखावाटी स्कूल से बोल रही हूँ, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हमने अपनी इच्छा व्यक्त की और हम 14 अंडर 14 कबड्डी में गए और हमने फर्स्ट ट्रॉफी ली है, फाइनल जीता है। गुड। देखिए, सबसे पहले तो आज का दिन शेखावाटी के इतिहास में खेल दिवस के रूप में जाना जाएगा और जैसा नवाचारों का शेखावाटी पर्याय रहा है, उसी के रिगार्डिंग में आप मीडिया का ध्यान चाहूँगा कि आने वाला कल सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होगा। अच्छा इंस्टीट्यूट वो होगा, मैं तो पहले भी बोलता था ये बात, कि जहाँ तेल और बाती दोनों होंगे वो दिए जलेंगे। और अब तो तेल बाती के साथ साथ एक और बात आ गई, अनुशासन और शिक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन अनुशासन और शिक्षा को बनाए रखने के लिए इस मोबाइल क्रांति में, इस मोटरसाइकिल क्रांति में जो अमूल चूल कोई मंत्र है तो उसका नाम है खेल। और मेरा ये मानना है कि आने वाले कल में इसकी महत्ता बढ़ेगी। जिस प्रकार से ओलंपिक में देश का नाम बढ़ा है, पहले के बजाय अब हमारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसी क्रम में आने वाला कल अगर हम इंडिया का अच्छा देखना चाहते हैं और कोविड के बाद जो संक्रमण काल को अगर हटाना चाहते हैं तो ये जिम्मा शेखावाटी के रणबांकुरों को, शिक्षा के योद्धाओं को संभालना पड़ेगा। और इसमें हमेशा शेखावाटी ग्रुप लौसल, बीएल रणवा और उनकी पूरी टीम आगे रही है। आप सबका ध्यान आकर्षित चाहूंगा इस अवसर पे, आज के दिन शुभकामना भी दूंगा मीडिया को कि आपकी टीम ने एक बहुत बड़ा नवाचार किया है। ये जो प्रतियोगिता है ये पिछले वर्ष से ही हमने कोविड के बाद ही एक फील्ड में हम उतरे और लौसल कस्बा बाबा परमहंस की पावन धरा है आज गर्व से फूला नहीं समा पा रहा कि सीकर के बड़े ग्रुपों को अगर हम छोड़ दें चुनिंदा 2-4-5 को तो पूरा शेखावाटी ग्रुप पूरे राजस्थान में तहलका मचाने जा रहा है। आज आपको खुशी होगी, जो 14 छात्रा वर्ग है उसमें 4 छात्राओं का स्टेट सिलेक्शन हुआ है, 7 में से
सात में से चार का स्टेट सिलेक्शन होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और आने वाले कल में पूरे खेल जगत को, शिक्षा जगत को समर्पित करते हुए बात कहना चाहूंगा कि हिमाचल पे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की तर्ज पे एक करीब 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ का भी जा सकता है बजट एक इंडोर मल्टीपल स्केयर खेल के लिए, नवाचारों के लिए, अपनी सहगामी गतिविधियों के लिए। कितना बड़ा तोहफा राजस्थान के शेखावाटी की इस धरा पे आने वाला है कि लोग सरप्राइज हो जाएंगे और हमारे ये जो बाल कलाकार, खेल के जो कलाकार हैं, ये गदगद हो जाएंगे। वो वातानुकूलित आ रहा है, जैसे हमारा लाइब्रेरी पूरे राजस्थान में एक मॉडल है, वैसे इंडोर स्टेडियम नहीं बोलेंगे उसको, मल्टीपल स्किल, जिस बच्चे में जो स्किल है उसको डेवलप करना शेखावाटी का उद्देश्य रहेगा। ये राजस्थान में एक बहुत पताका की तरह ये परचम लहराएगा और अब मेरा ये मानना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एक स्कूल का उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारी ये बेटियां दोनों तरफ खड़े होकर के इस समय राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इन दोनों को खेल की सारी प्रतिभाओं को बधाई देता हुआ और नवरात्रों में मल्टीपल स्केल स्पेयर इंडोर के रूप में जो वातानुकूलित आ रहा है, मैं समझता हूँ जो हमारी स्कूलें स्कॉलरशिप देती है, कोई 1 करोड़ की, कोई 2 करोड़ की, कोई 50 लाख की, बीएल रणवा तो अपने बच्चों को 2.51 करोड़ की स्कॉलरशिप खेल के इंडोर के माध्यम से, जिसकी कोई फीस नहीं होगी, उसके अंदर स्टूडेंट तैयार होंगे, फीस चार्ज कभी नहीं होगी, जैसे हमारे लाइब्रेरी का कोई चार्ज नहीं है, वैसे हमारे इंडोर का कोई चार्ज नहीं होगा। आप सब मीडिया का आभार व्यक्त करता हुआ और हमारी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हुआ और सारे शिक्षा जगत और खेल जगत को शिक्षा का नुमाइंदा होने नाते सीकर को बधाई देता हुआ, थैंक यू, धन्यवाद, जय।